नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों माय हेल्थ कंपेनियंस आप घर में बैठे हुए हैं अचानक कोई बुज़ुर्ग आपके पास आए और आके उन्होंने बोला कि मुझे घबराहट महसूस हो रही है और बोलते बोलते वो बेहोश होकर गिर पड़े या आप गार्डन में कहीं जा रहे हैं और एक बेहोश पड़ा हुआ इंसान आपको मिला अब आगे क्या करना है हम पैनिक हो जाते हैं हमें समझ में नहीं आता कि अब आगे कैसे क्या आगे बढ़ें इस विषय में आज हम जानेंगे जब कोई इंसान हमारे आसपास अचानक बेहोश हो जाता है या हमें बेहोश पड़ा हुआ मिलता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि हमें किसी को हेल्प के लिए बुलाना है हमें या तो फ़ोन करके बुलाएं या आवाज़ देकर बुलाएं और एक हेल्पिंग हैंड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरा कि कोई भी एम्बुलेंस का नंबर हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए विशेष करके अगर हो सके तो कार्डिय एम्बुलेंस ऐसा एम्बुलेंस जिसमें कि सारी सुविधाएं होती हैं हम हार्ट की रेट मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर सकते हैं ऑक्सीजन दे सकते हैं मरीज को आवश्यकता पड़ने पर तो आपके निकटस जो नियरेस्ट आपके एम्बुलेंस हैं उनका नंबर ज़रूर आपके पास होना चाहिए आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया आपने हेल्प के लिए बुला लिया अब हम मरीज़ के पास तुरंत पहुँचें और पहले देखें कि मरीज़ बैठी हुई स्थिति में है या लेटी हुई स्थिति में है अगर मरीज़ बैठी हुई स्थिति में है तो उनको तुरंत लेटा दें और प्रयास करें कि अगर हार्ड सरफेस पर लेटाएँ जैसे फर्श पे या अगर बेड पे लेटे हुए हैं तो उनके नीचे कुछ एक हार्ड तख्ता डाल दें ताकि पेशेंट एक हार्ड सरफेस पर लेटा रहे ये कैसे आगे काम आएगा मैं आपको बताऊंगा अब हमने मरीज़ को लेटा दिया अब हम मरीज़ का एसेसमेंट करेंगे कि पहले कि मरीज बेहोश है या पूरी होश की अवस्था में है या सेमी कॉन्शियस है आधे होश में है तो हम पहले मरीज़ को आवाज़ लगाएं अगर मरीज़ आंखें खोल देता है अपने आवाज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका मतलब मरीज़ कॉन्शियस हैं होश में है अगर मरीज़ आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लेकिन हाथ पाँव हिला रहे हैं सांस ले रहे हैं तो हमें नेक्स्ट ये करना चाहिए कि उन्हें ज़ोर से थपथपा के पूछना चाहिए आप कैसे हैं ठीक हैं अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो हमें एक पेनफुल स्टिमुलस एक चीटी काट के उनको देखना चाहिए कि वो कुछ हाथ पैर हिला रहे हैं कि नहीं हिला रहे हैं अगर दर्द देने पे भी अगर वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट फुली अनकॉन्शियस है पूरी तरह से बेहोश है इसके अलावा हमें ये भी साथ में देखना चाहिए कि मरीज पूरा पूरी तरह पीला पड़ा हुआ तो नहीं है मरीज़ को पूरी पसीने से तरबतर तो नहीं है ये सब चीज़ें अगर हैं तो ये किसी गंभीर स्थिति को दिखाती हैं कि मरीज़ को कोई गंभीर प्रॉब्लम हुई है अब अगर हमें ये हमने निर्णय कर लिया कि मरीज़ फुली अनकॉन्शियस है पूरी तरह से बेहोश है तो अब हमें चूँकि हमने मरीज़ को लेटा दिया है तो मरीज़ के मुँह के पास हम अपने चेहरे को ले जाएँ और ध्यान से मुंह खोल के और ये देखें कि मरीज़ सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अगर मरीज़ सांस नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि मरीज़ की दिल की धड़कन रुकी हुई है और हमें तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए अगर मरीज़ सांस ले रहे हैं सामान्य रूप से तो ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है ये दिल की धड़कन के रुकने का साइन नहीं है और हमें कम से कम इस बात से आश्वस्त रहना चाहिए कि मरीज़ की धड़कन ठीक चल रही है अगर मरीज़ सांस नहीं ले रहा है तो अगला स्टेप ये होना चाहिए कि अगर हमें पल्स लेने की जानकारी है जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आसानी से यहाँ पर पल्स नाप सकते हैं इसके अलावा और आसानी से पल्स नापने का तरीका है कि हम अपने कान को मरीज़ की छाती पर लगा के सुन सकते हैं और या फिर गर्दन के पास यहाँ इसे हम कैरोटिड पल्स कहते हैं यहाँ पे भी हम पल्सेशन फील कर सकते हैं या जांघों के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर भी पल्सेशन फ़ील कर सकते हैं लेकिन इसका प्रयास अगर आपको पहले से अभ्यास है तभी इसका अपने को कोशिश करना चाहिए वरना अगर आपको पहले से अभ्यास नहीं है तो उस समय क्राइसिस की स्थिति में ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए तो मान लीजिए कि हमने पल्सेशन देखी और हमें पल्सेशन नहीं मिला और अगर हमें पल्स नापना नहीं आता तो हमने देखा कि सांस नहीं चल रही है अब जो हमारा डायग्नोसिस है वो है कि मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट है दिल की धड़कन रुकी हुई है अब हमें जो काम करना है उसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सी पी आर ये कि हर एक व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए कि सी पी आर कैसे करते हैं क्योंकि अगर आपके सामने किसी को कार्डिय अरेस्ट हुआ है दिल की धड़कन रुकी है और आपको सी पी आर आता है तो 10 में से 9 बार संभावना है कि उस मरीज की जान बचाई जा सकती है सी के लिए सबसे पहले आपने इंश्योर किया कि मरीज लेटा हुआ है एक हार्ड सरफेस पर लेटा हुआ है और उसके बाद आप उसके मुंह का निरीक्षण करें कुछ लार या मुंह में खाना तो नहीं भरा हुआ है या कोई उल्टी तो नहीं भरी हुई है उसको तुरंत साफ़ करें और उसके बाद मरीज़ के सीने के बीचों बीच जो एक हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं इस हड्डी पर यहाँ पर दोनों हाथों को इस तरह से एक दूसरे से लॉक करें हाथ को कोहनी से सीधा करें और फिर घुटने के बल बैठ कर ये मैं आपको दिखाऊंगा मरीज़ के ऊपर घुटने के बल बैठ कर और फिर हम कंप्रेशन करना शुरू करें दबाव देना शुरू करें ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट दो बातें हैं पहला ये जल्दी जल्दी करना है एक सेकेंड में दो बार मतलब एक मिनट में सौ से एक सौ बार ये कंप्रेशन होना चाहिए और दूसरा ये कंप्रेशन अच्छी मात्रा में होना चाहिए कम से कम दो इंच से ढाई इंच का दबाव पड़ना चाहिए तभी हमारा जो दिल है वो दिल पूरी तरह से कंप्रेस होगा और उससे खून की पंपिंग होगी ये प्रक्रिया हमें करते रहनी चाहिए आपने कई बार देखा होगा वीडियो में टीवी में कि मुंह से मुंह में सांस देने की भी प्रक्रिया होती है सीपीआर में लेकिन ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए रिकमेंडेड होता है उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए जिन्होंने पहले इसकी बकायदा ट्रेनिंग ली हो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो केवल चेस्ट कंप्रेशन केवल सीने पे दबाव देने वाला ही प्रयास हमें करना चाहिए और पैरेलली जो हमारे साथ में दूसरे व्यक्ति को हेल्प के लिए बुलाया है उसको एम्बुलेंस के अरेंजमेंट में लगे रहना चाहिए जैसे ही एम्बुलेंस जब तक ना पहुँचे जब तक कि ट्रेंड व्यक्ति ना पहुँचे हमें यह सी करते रहना चाहिए अब सवाल ये उठता है कि यह सी कैसे काम करता है जब तक हमें इसके मैकेनिज़्म पता नहीं होगी तब तक हम उसको प्रॉपर कर नहीं पाएंगे होता क्या है कि जैसे ही दिल की धड़कन रुक जाती है दिल की धड़कन रुकते ही दिमाग में खून की सप्लाई रुक जाती है जब दिमाग में खून की सप्लाई रुक जाती है हमारा दिमाग ऑक्सीजन पे इतना ज़्यादा निर्भर होता है कि 10-15 सेकंड के अंदर ही दिमाग में डैमेज होना शुरू हो जाता है और चार मिनट जैसे ही होते हैं दिल की धड़कन रुके हुए परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है जो इरिवर्सिबल होते हैं और दस मिनट में पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है इसीलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही हमने नोटिस किया कि पेशेंट को कार्डक अरेस्ट हुआ है हमें सी शुरू कर देना है हमारी जो ये पसलियों का केज है हमारी जो छाती है उसके बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको वर्टिबल कॉलम या बैक बोन कहते हैं इन दो हड्डियों के बीच में हमारा दिल होता है और ये चूँकि मांसपेशियों का बना होता है गुब्बारे की तरह आप मान लीजिए और जब हम किसी हार्ड सर्फेस पर मरीज को लेटा के इस ब्रेस्ट बोन को दबाते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो गुब्बारा गुब्बारे की तरह वो दबता है और जितने बार वो दबता है उतने बार खून पंप होता है हमारे शरीर में पहुंचता है हमारे ब्रेन में पहुंचता है और जितने बार हम छोड़ते हैं तो जो शरीर का खून है वो हार्ट तक पहुंचता है इसके साथ साथ कुछ मात्रा में लंग्स जो है हमारे फेफड़े वो भी कंप्रेस होते हैं तो एक सांस लेने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी चलती रहती है इसलिए जब हम ये कंप्रेशन प्रॉपर करते हैं ढंग से करते हैं तो ही खून ब्रेन तक पहुँचता है और ब्रेन के बचे रहने की संभावना होती है जब तक हम ये पंपिंग करते रहेंगे तब तक मरीज़ का ब्रेन बचा रहेगा और ना केवल इतना ही इसी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हार्ट को भी होती है और हार्ट के दोबारा रिवाइव होने की भी चांसेस रहते हैं इसलिए ये सीपीआर बहुत महत्वपूर्ण है जैसे ही एम्बुलेंस पैरामेडिकल स्टाफ या स्टाफ आ जाता है मेडिकल का कोई जानकार उसको हम हैंडओवर करते हैं तब तक हम सीपीआर करते रहें ये मरीज़ की जान को बचा सकता है अब मैं आपको एक लाइव डिमॉन्सट्रेशन दूँगा कि हम किसी मरीज को अगर हमें अनकॉन्शियस मिले तो उसका सी हम कैसे करेंगे तो अब मैं डिमॉन्सट्रेट कर रहा हूँ आपको कि अगर आपको पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ मिलता है या आपके सामने बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले आप उसका कॉन्शियसनेस लेवल एसेस करें कि वो होश में है आप थपथपा के देखें अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उनको चीटी काट कर देखें कुछ पेनफुल स्टिमुलस दे के देखें अगर तब भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब वो अनकॉन्शियस हैं आप एसेस करें कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आप चेस्ट की मूवमेंट देखें कि सांस ये चेस्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आप मुँह को खोल के या मुँह के पास जाके फील करके देखें कि सांस वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अगर वो सांस नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब उनको कार्डे अरेस्ट है उनके दिल की धड़कन रुक चुकी है और हमें सी पी आर इमीडिएटली शुरू करना चाहिए आपको ये इंश्योर करना है कि नीचे हार्ड सर्फेस हो ताकि हम जब कंप्रेशन करें तो हार्ट प्रॉपर दबे और आपको ये भी इंश्योर करना है कि मुंह में किसी तरह का कुछ ना हो अगर मुंह में लार है या खाना है तो उसको क्लीन कर दें हम साफ़ कर दें और फिर हम अपने दोनों पंजों को इस तरह से मिलाएं और सीने के बीचों बीच बाईं तरफ नहीं सीने के बीचों बीच रख के अपनी कोहनी को सीधी करते हुए और फिर हम कंप्रेशन शुरू करें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये कंप्रेशन अच्छा खासा होना चाहिए अगर एक आध पसली टूट भी जाए तो वो नुकसान नहीं करेगी लेकिन कंप्रेशन जो दबाव है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि हृदय पंप कर सके इस बात का विशेष ध्यान रखना है कोहनी सीधी रखने से जो दबाव है वो सीधा नीचे पड़ता है और आपको इस तरह से इसी पोस्चर में आपको पंपिंग करनी है और ये तब तक करते रहें जब तक कि आपको मदद ना मिले इवन अगर ये आधा घंटा एक घंटा भी करना पड़े तो मरीज़ की जान बच सकती है बशर्ते कि कुछ ना करने के इस बात को याद रखें तो दोस्तों आज हमने सीखा कि अगर हमारे कोई रिलेटिव रिश्तेदार या कोई अनजान व्यक्ति हमारे सामने बेहोश हो जाता है या हमें बेहोश पड़ा हुआ मिलता है हम कैसे असेस करें कि वो बेहोश है या हल्के फुल्के होश में है उसको कार्डेक अरेस्ट तो नहीं हुआ है और अगर कार्डेक अरेस्ट हुआ है तो हम तुरंत उसका सी शुरू करें आपका क्या हुआ सी आपका क्या हुआ ये प्रयास कुछ ना करने से कहीं बेहतर है और 10 में से 9 लोगों की जान इस कारण से बच सकती है ये नॉलेज आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है अगली वीडियो में फिर ले चलूँगा मैं आपको किसी ऐसी ही छोटी सी स्वास्थ्य यात्रा पर और ब्लड प्रेशर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार मैं ये वीडियो जो है वो डेडिकेट करना चाहूँगा मिस्टर सर्वेश को जिन्होंने मुझसे कहा था कि सीपीआर के विषय में जाने